नमस्कार, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं आमिर नाफिस। चलिए करते हैं शुरुआत कुछ देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ। ब्रिटेन में मृत मिले तमिल परिवार के 3 सदस्य, संदिग्ध हालत में मिली लाश। पीएम मोदी ने की कोरोना महामारी के खिलाफ फिर से एकजुट लड़ाई की अपील। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 78,524 नए मामले, अब तक 58,00,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। केंद्रीय कैबिनेट ने 7 खतरनाक रसायनों को किया प्रतिबंधित, कई बीमारियों की थी आशंका। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर नए प्रतिबंध लगाए, भारत के हजारों IT पेशेवर होंगे प्रभावित। भारत और जापान साथ 5G टेक्नोलॉजी और सूचना तकनीक पर भारत जापान के बीच अहम समझौता, इनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर सकेंगे दोनों देश। अफगान शांति वार्ता के बीच अब्दुल्ला पहुंचे भारत, अजीत डोभाल से की मुलाकात। UNGA फिर भारत ने पाकिस्तान को धोया, कहा सीमा पर आतंकवाद से भारत पीड़ित। दिल्ली दंगा देश को परेशान करने की बड़ी साजिश थी, केंद्रीय मंत्री ने किया खुलासा। शोधकर्ताओं का दावा, कोरोना वायरस को और घातक बना सकता है शहरी प्रदूषण। रोज होगी आपकी और हमारी मुलाकात देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ।